सो हेलो दोस्तों, हम तीन यार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने चैनल तीन यार फूड के अंदर। तो हम आए हैं फिर से गुआना का ही टूर चल रहा है हमारा। गुआना में हम सरदार जी छोले भटूरे वाले के पास, जो कि गुआना में बहुत फेमस है, बहुत पुराने शॉप है छोले भटूरे की। तो चलिए देखते हैं, अंकल जी से बात करते हैं, टेस्ट करते हैं इनके छोले भटूरे का टेस्ट कैसा है या सिर्फ नाम है। तो चलिए चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अंकल जी से बात करते हैं, पूछते हैं उनका जो टेस्ट का राज है, इतनी भीड़ रहती है उनके पास। तो चलिए बात करते हैं। तो अंकल जी, जैसे कि आप अपना नाम बताइए पहले। नंदकिशोर चावला। नंदकिशोर चावला जी, तो अंकल जी वैसे आपकी शॉप यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है? हमारे इस शॉप को 33 साल हो गए, और पहले फुवारा चौक पे थी, दिल्ली में थी, उड़ीसा में थी। मतलब आपके आउटलेट हमारे अभी भी है या मतलब नहीं पे घुमाने? अभी भी आउटलेट्स हैं या सिर्फ घुमाने में ही चल रहे? घुमाने में आउटलेट हम नहीं करते। जो पहले वहाँ पे आप कह रहे हो उड़ीसा दिल्ली हुए, वो पहले वहाँ से करके आगे, इसके बाद भी अब हम सन 83 से यही 81 से यही है। सन 81 से आप यहीं पर ही कर रहे हैं? तो अभी फिलहाल आपके मतलब बेटे वगैरह भी? बेटे भी है, भतीजे भी आते हैं। चलिए तो अंकल जी, आपके पास फिलहाल क्या क्या आइटम अवेलेबल है? हमारे पास गुलाब जामुन मेन, छोले भटूरे, मैंगो शेक, लस्सी। तो स्पेशलिटी आपकी किस चीज में फिलहाल? छोले भटूरे। तो अभी आप हमें क्या चीज टेस्ट करवाएंगे? जो बहुत गुलाब जामुन खिलाए, मैंगो शेक खिलाए। तो चलिए हम आपके एक बार छोले भटूरे जरूर टेस्ट करना चाहेंगे। चलिए अंकल जी के एक बार छोले भटूरे टेस्ट करते हैं, क्योंकि अंकल जी के छोले भटूरे का नाम हमने पूरे गुआना में बहुत सुना है। चलिए टेस्ट करके। दोस्तों वाले भी बनवा गए थे वीडियो 2 साल पहले, खिचड़ी वाले बना गए थे। तो छोलों में कुछ स्पेशल मसाला वगैरह आप डालते हैं? स्पेशल हमारे घर के पीसे मसाले होते हैं, अच्छे बढ़िया क्वालिटी के मसाले लेके हम पीस के खुद डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी अंकल जी से एक प्लेट छोले भटूरे के लेके देखते हैं, टेस्ट करके बताएंगे आपको कि अंकल जी ने जैसा कहा कि हमारे जो छोलों में मसाला यूज होता है सारे घर के होते हैं, तो उन मसालों का टेस्ट, छोले का टेस्ट देखते हैं अंकल जी का, टेस्ट करके सब कुछ आपको बताएंगे और अंकल जी कस्टमर से भी रिव्यू लेंगे। तो चलिए करते हैं टेस्ट अंकल जी छोले भटूरे। तो भाई जैसा कि भटूरे देखो, देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, छोले भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो अभी हम भी टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है टेस्ट। जो आज तक की हमने रेट लिस्ट देखी है, 60 रुपीज के 2 भटूरे हैं भाई, इनफ है 60 रुपीज इस चीज के लिए, क्योंकि इतना बड़ा मतलब भटूरे का साइज है, भारी भी है भटूरे, देखने में लग रहे हैं। अब खाने के बाद पता लगेगा कि टेस्ट कैसा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं फटाफट। चलिए भाई टेस्ट करके देखते हैं आप गुआने के फेमस छोले भटूरे। तो भाई अंदर से देख सकते हैं आप कितने हैवी है, मतलब भटूरे 60 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है इसके लिए, बिल्कुल इनफ प्राइस है। भाई जैसा कि सुना तो गाने में कि सरदार जी छोले भटूरे वाले का टेस्ट बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा टेस्ट है। खाने के बाद पता लग गया कि इतना नाम क्यों है अंकल जी का। ये छोलों में अंकल जी ने कहा कि हमारे खुद के घर के बने हुए मसाले हैं, तो छोलों का जो टेस्ट है भाई बिल्कुल बहुत अच्छा है। और जो छोलों का मसाला है, ग्रेवी बना रखी है, ये भी बिल्कुल गाढ़ी है, ऐसा नहीं है। तो छोले बिल्कुल पतले पानी होते हैं, जैसे कईयों की तरी होती है, ये बिल्कुल गाढ़े छोले हैं। साथ में अंकल दही भी डाल रखे, सलाद मिर्च का चार हुआ है, सब कुछ दे रखा है। तो भाई हमसे तो इंतजार होने रहा, हम पहले खाएंगे और अगर इसको फिनिश करते हैं, फिनिश करने के बाद फिर आपसे बात करेंगे। तो कैमरामैन जी अभी इसको टेस्ट करेंगे, दीपक जी टेस्ट करेंगे, तो फटाफट तो इनका भी रिव्यू शूट करते हैं, फिर हम खा के इसको फिनिश करके फिर आप सबसे बात करते हैं। जैसा कि अभी यतिन भाई ने आपको बताया, टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट कैसा है यहाँ का। कहा जाता है कि किसी पुरानी दुकान में बनाने की, तो चेक करते हैं इसके। ऐसे तो काफी भाई मोटा है, सही है बिल्कुल।
चेक कर लेते हैं। नाम सुना है इसलिए कह रहा हूँ कि अपना बोल कम खा ज्यादा, खाने में ध्यान रखते हैं। मैं तो जब भी बोले आता हूँ कभी भी आपका रूटीन, अगर आप रोहतक से पानीपत या चंडीगढ़ जाते हो तो एक बार अंकल जी की दुकान पे जरूर विजिट करें, आप यहाँ पे एक बार टेस्ट करके जरूर जाएं। इनका एड्रेस है रोहतक गेट गोहाना, आप जरूर इस लोकेशन पे आके एक बार, इनके टाइमिंग है शाम को 5 बजे तक, और एक बार जरूर आके एक बार टेस्ट करिए। मैं 4 साल से आ रहा हूँ, जब 4 साल पहले टेस्ट किया था वही टेस्ट आज भी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो भाई अभी हमने टेस्ट करे छोले पूरे, तो मैं सच कहूंगा बहुत अच्छे थे। तो अब देखो अंकल जी ने बिन कहे मतलब हमारे लिए गुलाब जामुन लेकर आए, अंकल का बिहेवियर बहुत अच्छा है, साथ ही साथ स्टाफ भी बहुत अच्छा है अंकल जी का, खासकर अंकल जी का बिहेवियर इतना अच्छा है कि अंकल हमें खुद आके पूछे कि कुछ और करनी चाहिए, अंकल खुद हमें सर्विस मतलब सर्विस दे रहे हैं। तो इसके लिए तो देखो अंकल जी को मतलब मैं 5 स्टार दूंगा अंकल जी के, मतलब खाने को रेस्टोरेंट को हर चीज पर। तो भाई दीपक जी से पूछते हैं वो कितने स्टार देना चाहेंगे, तो दीपक भाई बताओ। देखो वैसे अंकल जी का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है और अंकल जी भी खुद वो ये नहीं देख रहे कोई कस्टमर मतलब कि हम स्टाफ से ही काम कर रहे, खुद भी लगे हुए रहते हैं, इसलिए भाई अंकल जी के बाकी छोले भटूरे बहुत अच्छे थे और बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बाकी के हम देखते हैं। मैं तो चाहूंगा एक बार आप जरूर विजिट करें आके यहाँ पे। भाई इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप एक बार आएंगे तो बार बार जरूर आएंगे, तो इतना अच्छा टेस्ट है और सर्विस सबसे अच्छी है। तो इस हमारे सोन भाई हैं, सोन भाई से भी कुछ पूछेंगे। सोन भाई आपको टेस्ट कैसा लगता है? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अंकल जी की सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो भाई हमारे सोन भाई अभी भी शर्मा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी अंकल जी ने गुलाब जामुन दिया है वो भी टेस्ट करते हैं, फिर अंकल जी से बाहर चल के कुछ बातें करेंगे, तो चलिए टेस्ट करके खा के फिर चलते हैं बाहर। तो भाई अभी गुलाब जामुन खाया नहीं, खत्म नहीं करे अंकल जी, अब शेक और लेके आ चुके हैं मैंगो शेक, पेट पहले फूल हो चुका है, अंकल जी को मना करने के बावजूद इतना मना किया फिर भी अंकल जी जबरदस्ती देके गए हैं। तो देख सकते हो अब आप खुद भी पहचान लो अंकल जी का बिहेवियर कितना अच्छा है। तो दीपक भाई बताओ कुछ। अंकल जी को बहुत बार हमने मना करने के बाद भी अंकल जी नहीं माने बिल्कुल भी, वो कह रहे हैं कि भाई जूस तो आपको पीना ही पड़ेगा, जो शेक बना के लेके आए अंकल जी, उन्होंने कहा भाई ये तो पीना ही पड़ेगा आपको। तो यही कहना चाहूंगा कि अभी हम खत्म करते हैं, इसके बाद बात करेंगे, अब खाया भी नहीं जाएगा बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो भाई हमने सब कुछ टेस्ट करा, अंकल ने हर आइटम अपनी दुकान की हमें टेस्ट करवा दी, बहुत अच्छा टेस्ट था अंकल जी, धन्यवाद आपका। तो आप हमारे व्यूवर से कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी की यहाँ पे आए, एड्रेस वगैरह कुछ बताइए आप घुमाने में कहाँ पर है? पालिका बाजार शॉप नंबर 3, शॉप 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो वही अंकल जी का दोबारा से धन्यवाद कहेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट है, अंकल ने सर्विस बहुत अच्छी दी है कि खुद आगे अंकल जी ने हमसे सब कुछ पूछा कि कुछ चाहिए आपको या नहीं चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि आपको अंकल का बिहेवियर और अंकल का जो खाने का हमने टेस्ट बताया भी मिलता है बहुत अच्छा लगा हुआ। तो भाई जैसा कि आपने वीडियो देखी, उम्मीद करेंगे कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर मुंह में पानी आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि उनके मुंह में पानी आए, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो इसी सब मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।